Hello friends, I am Vikram Mehta on my YouTube channel Vikram Mehta Khajuri English Coaching Classes. आज मैं आपको बताने वाला हूँ parts of speech, भाषा के अंग. There are 8 parts of speech in our English language. तो बनावट, प्रयोग और रूप के आधार पर किसी वाक्य को इन 8 भागों में बांटा जा सकता है. सबसे पहले आता है noun, संज्ञा, pronoun, सर्वनाम, adjective, विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, वर्ब क्रिया, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन योजक शब्द, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय. फर्स्ट है हमारे पास नाउन मीन संज्ञा. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग. नेम ऑफ अ पर्सन मीन्स राम श्याम गीता सीता. प्लेस डेली खजूरी नागल पार्क हॉस्पिटल. थिंग पेन पेंसिल शॉर्पनर एटसेट्रा. तो फॉर एग्जाम्पल राम गगन डेली पेन पेंसिल एटसेट्रा. काइंड्स सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे सुमन इंडिया कोलकाता एटसेट्रा. कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जो कि जाति के बारे में बताए माउंटेन रिवर बुक वूमेन एटसेट्रा. हिमालय नहीं आया इसमें. हिमालय की जाति क्या है माउंटेन. गंगा नहीं आया. गंगा की जाति क्या है रिवर. मटीरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा जैसे गोल्ड आयरन वाटर मिल्क सुगर एटसेट्रा. कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा जहाँ पर ग्रुप पाया जाए आर्मी पुलिस क्लास क्राउड मॉब एटसेट्रा. इसके बारे में कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कलेक्टिव नाउन्स में कैसे हम चीज़ें ऐड करते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं टच नहीं कर सकते. ऑनेस्टी ब्रेवरी ब्यूटी एटसेट्रा. जैसे मैं कहता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है. कितनी ईमानदारी उसके अंदर हम उसको सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं मेजर नहीं कर सकते. और कलेक्टिव सॉरी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं. काउंटेबल जिन्हें गिन सके अनकाउंटेबल जिन्हें गिना ना जा सके. काउंटेबल में पेन पेंसिल्स फैंस टेबल्स सब चीज़ें आती हैं. अनकाउंटेबल में हेयर और जैसे स्टार्स. सेकेंड आता है प्रोनाउन सर्वनाम. अ प्रोनाउन इज दैट वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं. राम के लिए ही सीता के लिए सी पेन के लिए इट. काइंड्स देर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम. इसमें फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन तीन आते हैं आई वी यू ही सी इट दे एटसेट्रा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम जिसमें सेल्फ वर्ड ऐड हो जाए माई सेल्फ हर सेल्फ हिम सेल्फ इट सेल्फ एटसेट्रा. रिलेटिव प्रोनाउन संबंध वाचक सर्वनाम हु व्हाट विच डैट एटसेट्रा. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम दिस डैट दीज दोज एटसेट्रा. इंटरगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम वेयर व्हाट होम हुज एटसेट्रा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स. इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम सम एनी सॉरी सम ऑल अदर मैनी एटसेट्रा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग बोधक सर्वनाम आइदर नाइदर एनी एटसेट्रा. थर्ड है हमारे पास एडजेक्टिव विशेषण. द वर्ड डैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे. तो इसके भी 7 टाइप्स बताए गए हैं. सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण जो गुण को बताए क्लेवर बेड गुड रेड ग्रीन येल्लो एटसेट्रा. कलर्स नेम भी एडजेक्टिव में आते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी परिमाण बोधक विशेषण मच सम लिटल एटसेट्रा जो कि मात्रा को बताएं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण जो संख्या को बताएं 1 2 3 4 मैनी फ्यू एटसेट्रा जिन्हें हम गिन सकें. डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेत वाचक विशेषण वही 4 दिस डैट दीज दोज दिस यह डैट वह दीज ये दोज वे. दिस पास के लिए डैट दूर के लिए दीज पास के लिए दोज दूर के लिए. दिस और डैट सिंगुलर के साथ लगते हैं और दीज और दोज प्लूरल के लिए. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण ईच एवरी आइदर नाइदर एटसेट्रा. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ जाते हैं वेयर हुज व्हाट एटसेट्रा. प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण अमेरिकन इंडियंस फ्रेंच एटसेट्रा. नंबर 4 पर हमारे पास आता है एडवर्ब क्रिया विशेषण एडजेक्टिव प्लस वर्ब. ये वो शब्द होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता को प्रकट करते हैं. इनमें मोस्टली एलवाई लगता है जैसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ब्यूटीफुली एडवर्ब बन गया. काइंड काइंडली सॉफ्ट सॉफ्टली नाइस नाइसली
hard, hardly, जिनके साथ एल वाई लग जाए। वैसे अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय जैसे कि ऑलवेज, डेली, नॉर्मली, जो कि स्थिति, बनावट आदि के आधार पर चेंज नहीं होते। तो इन्हें हम हाउ, वेयर और वेन लगा करके यूज करते हैं। जैसे ही वॉक स्लोली, तो हमने पूछा हाउ ही वॉक्स, स्लोली आंसर मिला। तो देर आर मैनी टाइप्स बट वी आर टेकिंग थ्री टाइप्स। एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें हाउ लगता है, जैसे कि मैंने बताया ही वॉक स्लोली, ही रन्स फास्टली, हाउ ही रन्स फास्टली। वेयर ओ एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें वेयर लगे, जैसे कि मैंने लिखा आई लिव एट खजूरी, तो वेयर डू आई लिव, आंसर मिला खजूरी। तो यह है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें वैन लगा करके यूज किया जाता है। नंबर फाइव पे हमारे पास आता है वर्ब, क्रिया। क्रिया मीन्स डूइंग एक्शन, किसी काम के होने को जो बताए। इसके टू काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव कर्मक क्रिया, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए, कर्ता, क्रिया और कर्म। जैसे गगन गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, गगन रीड्स। नंबर सिक्स पे आते हैं प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, जो कि स्थिति के अनुसार प्रयोग होते हैं। एट, ऑन, इनटू, बिटवीन, अमंग, अपॉन, अंडर, इन, विद, फॉर, एटसेट्रा। कंजक्शन, योजक शब्द, जो कि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। एंड, बट, देन, टिल, अनटिल, अनलेस, वेयर, व्हेन और एटसेट्रा। इंटरजेक्शन, विस्मयादी बोधक अव्यय, जो कि हैरानी के लिए, प्रसन्नता के लिए या दुख के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे ब्रेवो, अलास, आ, ओ, व्हाट, हुर्रा, एटसेट्रा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।